एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार एक आइडिया लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डोरमेट, फ्लोर, कारपेट, कालीन, रग इस टाइप की चीज़ें बहुत महंगी लेते हैं मार्केट से, तो वो हम घर में भी आराम से कतरों से भी बना सकते हैं, जो कतरन हमारी सूट के कपड़ों में से बच जाती है। तो यहाँ मैंने वही कपड़ा लिया है, तो 20x18 का एक बड़ा कपड़ा लिया है, उसके साथ लाइनिंग ली है। और यहाँ 4 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच इस तरीके से मेरे पास कपड़ा बचा था, उसकी मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली हैं। ये कपड़ा वही है जो सूट कटते टाइम साइडों में रह जाता है ना, वो वाला है। तो यहाँ मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है, 15x7 का, चौड़ाई में 7 है, लंबाई में 15 है। तो अब हम पहले मेन कपड़े को हमारे अस्तर के साथ में जोड़ लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ना आपको एकदम सलवटे हटा देनी है, मैंने भी इसी तरीके से हटा दी थी, हाथ से हट जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रेस ही करना पड़े। तो जितना भी अभी मस्टर्ड वाला कपड़ा है वो हम सिल लेंगे इसके साथ, और बाकी जो लाइनिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट किया था, तो उसको हम हटा देंगे, वो किसी काम का नहीं है, वो कचरा है एक तरीके से हमारे लिए। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कटिंग करके फिनिशिंग दे देंगे। अब देखिए, मैंने फटाफट उसके बाद ली 4 इंच की पट्टी, जो कि 3 इंच की भी ले सकते हो, मेरे पास 4 की थी तो मैंने कट नहीं की, उसको फोल्ड कर दिया। तो ये ब्लू पट्टी जो है ये भी सूट में से बची हुई पट्टी है, जो प्लाजो बनाते हैं हम लोग तो उसके साइड पे बच जाता है कपड़ा, वो है ये। तो देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी को लगा लिया और बॉर्डर बना लिया एक तरफ का। सेम दूसरे साइड जो अपोजिट साइड है लंबाई में, उसमें भी मतलब चौड़ाई मान लीजिए ये है, तो इसमें भी मैंने ले लिया सेम पट्टी सेम साइज़ की और इस तरीके से पीछे से स्टिच किया। देन ऊपर से आगे घुमा लेंगे, घुमाने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे और ऊपर से इसको फोल्ड करके अच्छे से इसको डबल फोल्ड करने के बाद एक स्टिच दे देंगे, तो ये अटैच हो जाएगा और हमारा कितना शानदार एक बॉर्डर बन गया, आप लोग देख सकते हो। मतलब इतने सारे आइडियाज़ होते हैं बचे हुए कतरनन वाले कपड़ों से, बचे हुए जो होते हैं ना हमारे रीयूज, मतलब हम जो करते हैं कुर्ती का, प्लाजो का, जैकेट का, इस टाइप चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम अगर दिमाग लगाएं तो। तो देखिए यहाँ से मैंने पहले सेंटर नाप लिया, उसके बाद मैं यहाँ से सेंटर नाप लूँगी, इस सेंटर का जो बीच का पॉइंट आया है उस पॉइंट पे मैं ये वेलवेट का कपड़ा देखूँगी अपना कितना आ रहा है, और दोनों तरफ नीचे ऊपर बराबर ही जगह छोड़नी है कि दोनों में ना बराबर जगह रहे, ठीक है। तो उसके बाद हल्का हल्का अंदर फोल्ड करके इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। लास्ट में हम इसको थोड़ा सा एरिया खुला हुआ छोड़ देंगे, बाकी इसको पूरा अच्छे से स्टिच करना है, अंदर को दबाना है इसका कपड़ा, तो अपने आप इसका एक बॉर्डर रेडी हो जाता है। और वेलवेट के कपड़े में हल्की फुल्की सलवट आती रहती है तो उसका कोई वो नहीं होता है, तो मेन दिक्कत है कि आपका कपड़ा कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगना चाहिए, यहाँ सलवट हल्की फुल्की आ सकती है। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से अटैच कर रही हूँ, आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से करना है। अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा ना हो तो आप सोचेंगे कि हम क्या करें, तो यहाँ पे आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये है कि हमने कपड़ों की वेस्टेज जो हमारी होती है या ख़राब हो जाती है जो कपड़े, उनका यूज़ करना है। तो मेरे पास ये वेलवेट का इतना सा टुकड़ा था, इसका कोई ना तो कोई कुर्ता बन सकता ना कुछ और बन सकता, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो देखिए एक तरफ से मैंने पूरा अच्छे से स्टिच कर लिया, मतलब तीन तरफ से, चौथी तरफ में मैंने आधा स्टिच कर लिया और आधा मैंने इस कॉर्नर से किया है। तो जो बीच का 3 इंच, 3.5 इंच का एरिया है वो मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको मैं अभी बताती हूँ आपको कि पहले क्या करना और उसके बाद उसको स्टिच करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सुई से कपड़े को ताल लिया है और अब आप देख सकते हो हल्की फुल्की सलवट रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है, वेलवेट वाले में रहती है, लेकिन वो स्टिचिंग होने के बाद अच्छा दिखता है और पूरा प्रॉपर हो जाता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर आपकी सलवट भी आती है तो। तो देखिए कि अब हमने बिल्कुल ही कतरन ली है, जो बिल्कुल ही कतरन होती है ना, जो किसी काम की नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये टुकड़े मेरे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका क्या किया जाए, पहले मैं फेंक रही थी, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये वाला आइडिया आया तो मैंने रख लिया। इस कतरन को आप मोटा मोटा भी भर सकते हो, जैसे मैंने काट के छोटा छोटा भरा है उस तरीके से भी भर सकते हो। छोटा भरोगे तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा और अगर आप मोटा मोटा भरोगे तो
तो सॉफ्ट तो वो भी होगा लेकिन वो कहीं कहीं ना मोटा मोटापन आ जाता है, रह जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितनी सारी इसमें कतरन अच्छे से अंदर तक भर दी है चारों कोनों में हाथ से। अब आपको इसको स्टिच कर लेना है। तो ये जो होगा ना ये थोड़ा मतलब फूला फूला सा बनेगा, हैवी सा, और इस पे आप बैठ भी सकते हो। इसको आप डेकोरेटिव पीस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी कॉर्नर पे एक टेबल वेबल लगाई उसके ऊपर बिछा दीजिए, काफ़ी सुंदर लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ये डोरमेट का ही काम करता है, नहीं, ये बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है। जैसे किसी चीज़ को रखा हुआ आपने है उसके ऊपर डाल दीजिए, उसके ऊपर ये ऐसा काम करेगा कि एक सजावट के तौर पे यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो ये वाला आइडिया आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ्लोर मैट या डोर मैट ही बनाना है तो आप डोर मैट के लिए डोर के आगे रख दीजिए, दरवाजे के आगे रख दीजिए, तो ये डोर मैट नज़र आने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इस पर जिगजैग वाला डिज़ाइन दे दिया है। ये मैंने इसलिए भी दिया है क्योंकि अंदर जो कपड़े हैं वो हिले ना। अब मैंने ली है ये क्रीम कलर की पट्टी, तो इसको मैं इस तरीके से प्लेटें बनाती जाऊंगी और इसको अटैच करती जाऊंगी। इस तरीके से आपको भी प्लेट्स बनानी है, चारों तरफ इसके अटैच करते जाना है, जहाँ पे पट्टी ख़त्म हो वहाँ पे फिर से एक प्लेट बनाना और नई पट्टी लगा देना। इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है, सब अच्छा लगता है। तो क्रीम पट्टी ख़त्म होने के बाद, चारों तरफ लगाने के बाद, अब मैंने ऑरेंज पट्टी ले ली है। ऑरेंज पट्टी को भी मैं सेम प्रोसेस से लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। जो क्रीम पट्टी है उसको ना एक तरफ को मतलब आपको हाथ से कर देना है और उसके ऊपर ही साइड में आधे इंच के दबाव में ही आपको ये पट्टी लगानी है, ज़्यादा दूर नहीं लगानी, क्योंकि जो इनकी फ्रिल बन रही हैं वो फ्रिल काफ़ी सुंदर दिखेंगी। आप देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रही है। उसके बाद आपको ऑरेंज पट्टी को भी साइड में करना है तो नई पट्टी लगानी है, लेकिन उससे पहले हम पहले साइड का बॉर्डर बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे फिर बॉर्डर की जगह नहीं बचेगी, बाद में अटैच नहीं हो पाएगा, फ्रिल प्रॉब्लम करेगी। तो मैंने दोनों तरफ इस तरीके से उल्टी पट्टियाँ लगा ली हैं और अब मैं इनको आगे पलट के एक डबल फोल्ड करके एक स्टिच दे दूँगी। देखिए जैसे ये फ्रिल चिपक रही थी ना, इसी तरीके से अगर मैं एक एक फ्रिल और लगा लेती तो ये पूरा बॉर्डर ख़राब हो जाता मेरा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा इस तरीके से कवर करना है और बॉर्डर पे सिलाई दे देनी है ऊपर से टॉप स्टिच डबल फोल्ड करके। अब इसके ऊपर अगर हम पट्टी लगाएंगे, फ्रिल बनाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। अगर वो बॉर्डर के ऊपर भी जाती है तो भी दिक्कत नहीं, और अगर आपकी नहीं जाती तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया है लास्ट में, ये भी मेरा प्लाजो का पीस पड़ा हुआ था छोटा सा, तो इसकी पट्टी मैंने कट कर ली, मतलब लंबा सा आधा टेढ़ा कपड़ा था तो उसको कट करके मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो आप लोग अभी से ही लुक देख सकते हो कि कितना सुंदर आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना, ताकि आपको आगे के वीडियोस इसी तरीके के बहुत सारे DIY वीडियोस, मतलब नए से नया चीज़ें आपको मिल सके देखने के लिए। और ये तो बिल्कुल कबाड़ है, आप लोग देख सकते हो, मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये चीज़ें होती हैं और वो फेंक देते हैं कूड़े में, कचरे में, कूड़े वाले को भी एक्स्ट्रा पैसे देते हैं कि भैया ये सामान हमारे घर से ले जाओ। तो उस कबाड़ का हमने कितना अच्छा जुगाड़ बना दिया, आप लोग देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डोरमेट ही इसी तरीके का बनेगा, इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसको आप टेबल के बीच में सेंटर में लगा दीजिए, ऊपर इसके फ्लावर पॉट रख दीजिए या कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख दीजिए, ये बहुत सुंदर लुक देता है, लिटरली बहुत सुंदर देता है। आप लोग करके एक बार देखिएगा। तो आप लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और अभी तक अगर आप हो वीडियो पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे काम करने की हिम्मत मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करने वाली हूँ यहीं पर, और आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और आप लुक भी देख रहे हो कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ना इसमें ना थोड़ा मतलब टाइम लगता है, हल्का फुल्का टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि प्लेट्स जो होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं थोड़ी सी, लेकिन बहुत जल्दी बन भी जाता है, बहुत अच्छा लुक भी देता है। तो यहाँ पे ना जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हमारी बची हुई थी वो भी मैं कहीं ना कहीं घुसाने की कोशिश कर रही थी क्रीम वाली, क्योंकि फिर हैवी बनेगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा।
है ना। तो इस तरीके से मैंने ये वाली लास्ट एक पट्टी और ऐड की है, येलो वाली। ये गाइस ये लुक आया है इसका, मतलब आपके हिसाब से ये डोरमेट भी हो सकता है। ये यहाँ पे अगर आप कुछ डेकोरेटिव आइटम रख दो बीच में, तो ये एक तरीके से आप टेबल के सेंटर में भी लगा सकते हो। पीछे से भी काफी फिनिशिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि खराब लग रहा है कुछ भी, देखने में सब ठीक लग रहा है। और इस तरीके से अगर आप इसको डोर पे रख देते हो, मेन डोर पे, तो भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरीके की फर वाला बना है। और अगर आपको लग रहा है कि धागे वागे निकल रहे हैं, तो किसी कपड़े में हो जाता है कई बार, तो आप उसको डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हो। लेकिन मुझे इतना कोई खास दिक्कत नहीं था। और जैसे हल्का फुल्का अगर कोई धागा निकलता भी है, तो मैं उसको कट कर दूंगी, तो अच्छा लगेगा। देखिए चारों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कहीं पर भी आप घुमा के इसको देख लीजिए। अगर आपके घर में गेस्ट वेस्ट आते हैं, तो आप इसको लगाइए, और मतलब अच्छा लगेगा। लोग पूछेंगे कि कैसे बनाया, किसने बनाया, कहाँ से लाए, तो सब कुछ पूछेंगे। तो अगर आपको अपनी तारीफ चाहिए, तो जरूर से बनाइए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।